हेलो सर, ये है सूरत की पावर लूम्स। ये लूम्स मशीन कैसे चलता है और जो कपड़ा भर जाता है तो कैसे निकलता है, और ये जो भीम लगाता है हर मशीन में कैसे भीम लगाता है जिसके वजह से कपड़ा महीना भर निकलता रहता है, चलो आज के वीडियो में दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। जय जगन्नाथ। अभी देख रहे होंगे कि मशीन अभी चलता है, ये 24 घंटा नहीं, इसे साल भर मशीन चलता रहता है और कारीगर लोग इसे काम करते हैं। और ये जो मशीन चलता है, हर मशीन में, हर लूम्स के मशीन में बीम लगा जाता है और हर बीम 25 दिन, एक महीना या एक महीने से ज़्यादा, इस तरह ये बीम चलता है। आज के वीडियो में दिखाऊंगा ये बीम कैसे लगाते हैं, इसका प्रोसेस। ये कंपनी में एक नया माल चालू कर रहा है सेट, इसलिए एक छोटा सा बीम लगा जा रहा है, ये ट्रायल के लिए चलता है। ये छोटा बीम हो या बड़ा बीम हो, मगर बीम तो लगाना पड़ेगा, प्रोसेस तो सेम होता है। ये देखिए, ये कारीगर अभी बीम लगा रहा है, इनको बहुत टाइम लगेगा इनको सेटिंग करने में। सब उसके जितना मशीन है, ये जो 12 या 16 मशीन चलाते हैं, सबका सब चलता है। अभी इसको वो बना रहा है और सेटिंग कर रहा है, इसलिए 1 घंटा या 1.5 घंटा लग सकता है। चलो देखते हैं किस तरह काम होता है और कैसे बीम सेटिंग किया जाता है। ये देखिए, उसमें छोटा सा बीम लगा गया है, ये एक नया माल चालू किया सेट ने अपना कंपनी में। ये देखिए, मशीन चलता रहता है, बीम लगाने ज़रूरत पड़ता है हर का। यहाँ 2 शिफ्ट काम होता है, दिन में 12 घंटा और नाइट में 12 घंटा। इसमें जो कारीगर काम करते हैं, बीम भी खाली होते हैं, इसलिए दोनों पाली कारीगर मिल के बराबर बीम लगाते हैं। और ये जो बीम सेटिंग कर रहा है कारीगर, इनके पाली में खाली हुआ, इसलिए ये बीम सेटिंग कर रहा है, लगा रहा है, लगा के चालू करें, जैसे वो दूसरा मशीन चलता है ये भी चलेगा। और नाइट में कोई कारीगर एक एक बीम लगाते हैं, इस तरह दोनों कारीगर मिलके बीम लगाता है महीना भर। महीना में अगर 12 मशीन चलता है तो 12 बीम लगाना पड़ेगा, और 12 बीम से दिन पाली वाला 6 लगाएंगे, नाइट पाली भी 6 लगाएंगे। रोज़ का तो नहीं आएगा, 2-3 दिन में एक एक बीम इनको लगाना पड़ेगा, और जो बीम लगाएं उनको इस तरह सेटिंग करना पड़ेगा। देखो कैसे सेटिंग किया जाता है, उसको साइज करके चालू किया जाएगा। उसके बाद ये तो जो छोटा बीम लगाए, ये तो 2 दिन में यह खाली हो जाएगा, मगर ये ट्रायल के लिए कंपनी चालू कर रहा है, ये दूसरे या कपड़ा के लिए। मगर बाकी जितना मशीन चलता है इसमें बड़ा बड़ा बीम लगाते हैं, जैसे कि 1.5 महीना कोई कोई बीम चलता है, 1 महीना चलता है, 25 दिन चलता है, माल का अनुसार ही चलता है। जैसे कि पतला माल जो 30x14 है, वो बहुत पतला माल, वो 1 महीने से ज़्यादा चलता है। और ब्राइट का कोई जाड़ा माल होगा तो वे भी 25 दिन में खाली हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं कब खाली होगा। अगर खाता बंद रहता है तो ज़्यादा दिन चलता है, अगर रोज़ का काम चलता रहता है तो वो ठीक ठाक खाली हो जाता है, उनका कोई ठिकाना नहीं। और जब ये मशीन चलते चलते कपड़ा भर जाता है या 120 मीटर कपड़ा हो जाता है तो इनको काट के निकालना पड़ता है। देखिए किस तरह कारीगर इनको कपड़ा निकालेंगे, चलो देखते हैं। अभी इसको कपड़ा निकालने वाला है, ये रोज़ का काम है, जिनका पाली में कपड़ा भरेगा रोलिंग में वो फाड़ के रखेगा, दोनों पाली का सेम काम होता है। इधर काम होता है, एक एक कंपनी में 3-4 क्वालिटी का कपड़ा का काम होता है। चलो देखते हैं किस तरह कपड़ा निकाल के रखते हैं, इस तरह कारीगर लोग काम करते हैं। ये है पावर लूम्स, और ये काम में क्या होता है कि 12 घंटे का काम है, और कारीगर लोग का, हर कारीगर कहीं भी सूरत में देखो, हर किसी का 20,000 का ऊपर का पगार मिलता है, मगर साथ ऐसे बोले तो, ठीक से बोले तो 20,000 से 25,000 तक उनका पगार आता है, जो कि साल भर का काम का बात मैं करता हूँ। और कहीं गर्मी के टाइम पे कारीगर नहीं रहता है तो कारीगर ज़्यादा 15-16 मशीन, 10 मशीन के बदले में 16 मशीन चलाएंगे, तो उनका पगार वही गर्मी का टाइम पे 30,000 तक भी वो लोग कमा लेते हैं। बाकी साल भर उनका 25,000 तक पगार आते हैं, क्योंकि वो लोग आराम आराम से काम करते हैं, 8 महीना 1 साल वहाँ रुक के काम करते हैं, इसलिए कारीगर लोग का
हर महीने में 25,000 तक पगार मिलते हैं, ये साल भर का बात मैं करता हूँ तो। मगर गर्मी के टाइम के कारीगर भाग जाता है तो पगार थोड़ा ज़्यादा मिलता है। देखिए किस तरह कपड़ा निकाल के अभी इसको सेटिंग करेंगे, फिर से ये चालू हो जाएगा। जब 120 मीटर फिर होगा तो उनको फिर से फाड़ा जाएगा। जब इनके पाली में होगा तो ये फाड़ेंगे और उसके पाली में होगा तो वो फाड़ेंगे, मतलब 9th पाली वाला हमें अगर भरेगा तो वो फाड़ेंगे। इस तरह काम होता है, जिनके पाली में जो काम आए वो कारीगर वो काम करते रहें। ये जोड़िया बोलते हैं, 9th पाली वाला को जोड़िया बोलते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। देखो ये सब कपड़ा निकाल के निकलने के बाद यहाँ टाका ऑफिस में आता है, ये सबको यहाँ मापा जाता है, माप जाता है कौन सा कार्य कितना काम किया और यहाँ जमा रहे।